गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, लोनी में विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। आपको बता दें कि रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन सख्त है, विकास प्राधिकरण की टीम कर रही है कार्रवाई, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद। तो बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त, जहां अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लोनी में विकास प्राधिकरण की ये कार्रवाई, आपको बता दें कि रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, विकास प्राधिकरण की टीम कर रही है कार्रवाई, बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण पर टीम ये कार्रवाई कर रही है, इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद। तो ये देखिए किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है, ये कार्रवाई की जा रही है। ये जो कार्रवाई है वो रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र में की जा रही है, लोनी में विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई। आप देख रहे हैं तस्वीर भी, वो अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, जहाँ पहले अवैध निर्माण की जाँच की जा रही है और उसके बाद इस पर कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। देखिए किस तरीके से बुलडोजर पहुंचता है और उसके बाद जमीन दोस्त अवैध निर्माण को कर देता है। तो यशपाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। यशपाल देखिए, ये तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से सख्त नजर आ रहा है जिला प्रशासन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। देखिए पूजा, बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई है। आज ये जो कार्रवाई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है, ये जो रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र है लोनी का, वहाँ पर कुछ फैक्ट्री जो संचालक है उनके द्वारा सड़क पर अवैध निर्माण किए गए थे, जिसकी शिकायत जीडीए को, जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को मिली थी कुछ दिन पहले, और उन्होंने इसके लिए इनको नोटिस भी जारी किए थे जो बताया गया अधिकारी द्वारा। लेकिन उसके बाद भी जो ये फैक्ट्री संचालक है, इनके द्वारा यहाँ से अवैध निर्माण थे वो हटाए नहीं गए, जिसको लेकर आज गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पर पहुंची, पुलिस बल भी साथ लेकर वहां पर पहुंची थी, और जो अवैध निर्माण यहां पर कराए गए थे इनके द्वारा, उनको यहां पर तोड़ा गया है। वहीं कुछ फैक्ट्री संचालक इसके विरोध में भी आए थे, जिसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनसे उनकी बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद में उन्हें कुछ दिन का समय अभी दिया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई वहां पर पूरी कर जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की टीम है वो वहां से निकल चुकी है। जी पूजा, यशपाल कितने निर्माण है ये अवैध जिस पर कार्रवाई की गई है, अगर संख्याओं की बात करें तो? देखिए आपको बता दें पूजा, कई फैक्ट्रियां यहाँ पर हैं, करीब 8 से 10 फैक्ट्रियां थी जिन कार्रवाई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है। हालांकि कुछ और फैक्ट्रियों पर भी ये कार्रवाई होनी थी, लेकिन जब फैक्ट्री संचालक इसके विरोध में आए थे तो उनसे बातचीत कर उनको कुछ दिन अभी समय दिया गया है, और उसके बाद आगे की कार्रवाई करने की बात गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कही गई है। चलिए नजर बनाए रखिएगा यशपाल, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। विकास प्राधिकरण की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद है। जितने भी अवैध निर्माण हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमने देखा किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार मंचों से निर्देश देते आए हैं अधिकारियों को, और इस बीच अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। विकास प्राधिकरण की टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखी गई, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरीके से बुलडोजर इन अवैध निर्माण पर चलाया गया,